आपको जैसे पता है कैटेगरीज दो थी, पहली कैटेगरी उर्दू की है, उर्दू में वकारसिन साहब से गुजारिश करूंगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है ये अनाउंस कीजिए उर्दू कैटेगरी में। थैंक यू। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अजीज तलबा साथा, ये जो कंपटीशन है ये इसलिए होता है कि मुकाबले की एक फिजा पैदा हो, अदरवाइज जिसने पार्टिसिपेट किया वो सब विनर हैं। तो अपने लिए एक सबसे पहले क्लैप कीजिए। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। कई दफा आप लोगों की बातें सुनते हुए, आपकी तकरीर सुनते हुए हमारी आंखें नम हुई, रोंगटे खड़े हो गए। हालात हाजरा की बातें भी हुई, असलाफ की बातें भी हुई, माजी की बातें भी हुई, लेकिन ये दिन मनाने का मकसद भी यही है कि हम याद करें अपने माजी को और हाल में से बेहतरी के रास्ते तलाश करें। नंबरों की बुनियाद पे डिसीजन है, अदरवाइज तो सब विनर्स हैं। कहीं किसी का तलफ्फुज जो है लफ्ज की अदायगी, और लफ्ज की अदायगी जो है लफ्ज में हर्फ सबसे अहम है। अगर हर्फ सही अदा ना हुआ तो लफ्ज की सेहत खराब हो गई। उसी बुनियाद पे मार्किंग की गई है। सबसे पहले मैं उर्दू स्पीच में तीसरे नंबर पे जो है मोहम्मद हसन, फर्स्ट नंबर पर आई है जनाब उर्वा फातिमा।
From Global School System secured first position in English debate contest. What's the first time? Here and the first time.